नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। लुधियाना में एक 18 वर्षीय लड़की ने विवाह से कुछ दिन पहले की आत्महत्या। लड़के ने शादी करने से कर दिया था इनकार। पटियाला पुलिस ने 3 महिला नशा तस्करों को किया गिरफ्तार। 7 किलो चरस की बरामद। अमृतसर ट्रैफिक पुलिस ने नगर निगम के साथ मिलकर विरासती मार्ग से हटवाए नाजायज कब्जे। दुकानदारों को फड़ी वालों को नाजायज कब्जे ना करने की अपील। और अब हलचल विस्तार से। लुधियाना में एक 18 वर्षीय लड़की द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक विवाह से 6 दिन पहले ही उक्त लड़की द्वारा आत्महत्या कर दी गई, क्योंकि विवाह से कुछ दिन पहले ही लड़के ने विवाह करने से इनकार कर दिया था, जिस कारण लड़की ने आत्महत्या की है। तो वहीं मृतका के पारिवारिक सदस्यों ने बताया कि दोनों के प्रेम संबंध थे, जिसके चलते विवाह की तारीख भी पक्की हो गई थी, लेकिन कुछ दिन पहले ही लड़की ने विवाह करने से इनकार कर दिया। तो वहीं पुलिस ने मृतका के पारिवारिक सदस्यों के बयानों पर मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर दिया है और बनती कार्रवाई की जा रही है। क्या नाम है आपका? सुनीता देवी। अच्छा, आपकी बेटी की क्या उम्र थी और क्या हुआ, पूरा बताइए। 18 साल उम्र थी मेरी बेटी का, बिंदिया नाम था। वो प्यार मोहब्बत के चक्कर में शादी बोला था करने को, लड़की बात खुद करी थी, उसी की मर्जी से ये शादी हो रही थी। खुश थी बहुत। मैं चली गई बाज़ार शनिवार को, 28 तारीख का शादी फाइनल हो गया। हम लोग ने ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं किया, मैं कहा कोई बात नहीं, अगर तुमको खुशी है तो उसी के पास जाओ। सामान लेके जैसे ही आए, हमारी लड़की वहाँ पर लटकी थी, छोटे घर में। मेरा हस्बैंड यहाँ पर सो रहा था, एक ये छोटी बेटी थी, ये इसके सामने उस लड़के के फ़ोन में झगड़ा हुआ, बातें की। उस दिन जिस दिन मैं बाज़ार थी, उसका लहंगा लूंगा लाने गई थी, और बात करके उसके बाद ये चार्जर में मेरी बड़ी बेटी लगा दिया फ़ोन। इसके बाद ये क्या, इसको कहा जो भाई फ़ोन मत उठाना, कितना भी फ़ोन बज जाएगा तो। मैं जा रहा हूँ पानी भरने, तू यहीं रह। वो पानी भरने के बहाना से गया और वो छोटे घर में फांसी लगा लिया चुन्नी से। मेरी बेटी उधर लटकी थी, आधे घंटे बाद गई जो दीदी आई नहीं पानी भर के, तब तक के मेरी बेटी ख़त्म थी। उसको फ़ोन पे ये लड़का ने बोला शादी से इनकार किया, वो मुझे नहीं बताया, सर ने नहीं किया। वो मैसेज में भी था और उसको खटपट एक दिन पहले हो चुका था। मैं कहा बेटा अभी भी लेट नहीं, मुझे बोलो, मैं पेरेंट्स हूँ तुम्हारे, मुझे खुल के बताओ, मैं रोक दूँगी उसको। अगर कुछ बातें हैं, टॉर्चर कर रहा है, कुछ कर रहा है तो मुझे बताओ। कहता नहीं मम्मी मैं ठीक हूँ, बस लड़का ना थोड़ा ढिस मिस बात कर रहा है मेरे से। मैं कहा चल कोई बात नहीं, जो भी इशू है आपस में कर ले हैंडल, नहीं होता है उसके बाद मेरे को बताइए। उससे पहले पहले तो मेरी बेटी 4 बजे लटकी हुई थी और मैं 6 बजे शॉपिंग करके। बारेवाल सोहा के तरफ रहता है लड़का। क्या करता है वो? कोई दुकान में ना, जो जैसे कि मशीन हो गया कपड़े धोने वाले, एसी उसी के दुकान में वो काम करता है लड़का। एक जगह छोड़ दिया, ये नबा काम पकड़ा हुआ था। गिरफ्तार कर दिया पुलिस ने इसको? वैसे सुनने में आ रहा है, लोग तो बोल रहे हैं गिरफ्तार करे, पने बना नज़र से देखा नहीं। पुलिस वाला ने भी मेरे को कॉल करके नहीं बोला है जो मैंने लड़का को गिरफ्तार किया, उसके मम्मी को गिरफ्तार किया, ऐसा कुछ नहीं बोले हैं मुझे। ना मैं हाजिर हुई हूँ, मैं तो यहाँ अपने बच्चे के संस्कार में लगी हुई। क्या काम करते हैं आपके, आपके हस्बैंड हैं? देहारी करते हैं, अभी गए हुए हैं फुलिया फसाने के लिए। हाँ जी। बच्चे आपके? 4। अच्छा, बेटी सबसे बड़ी थी? हाँ जी, 3 बेटी है, एक मुंडा छोटा सा ही। पीछे कहाँ से रहने पड़े? बिहार से साहब। बिहार से रहने? हाँ जी। तो इंसाफ की मांग करते हैं? बिल्कुल सर, मेरा बेटी जैसे ही ये लोगों ने मारा है, टॉर्चर किया होगा तब ऐसे नहीं मेरा बेटी मर सकता। बहुत खुश थी मेरी बेटी शादी से। एंगेजमेंट वगैरह हुई थी? सब कुछ हो चुकी थी, एंगेजमेंट हो चुकी थी। हाँ। कपड़े कुपड़े उन्होंने भी चढ़ाया, हमने भी छेके। हाँ, फिक्स हो चुका था 28 तारीख को बारात आने वाली। हाँ, ये एक हफ्ते बाद। ये आज कितने तारीख है? यही 28। बस ये 4 दिन बाद ही बारात आने वाली थी।
मैं ये सामान देखिए, आप देख सकते हैं सामान बना दिया सारा, सारे सारी कपड़े लहंगा जो जो मेरे बेटी अपने मन पसंद का बोला मैंने सारा लाई। 50,000 रुपये घर से लेके गई और मैं सारे शॉपिंग करके लेके आई। तब तक तो मेरी बेटी थी ही नहीं। सर की नाम? यस जगदीश। अच्छा एक मामला ऐसी लड़की ने सुसाइड किया सी, की पूरा मामला सी, बंदा फड़ लिया जी? बंदा फड़ लिया जी। की मामला सी? सावर लड़की ने शादी ही थी तीक नो, उन्हें मुंडे ने इनकार करता ब्याह करवा तो उन्हें फड़ लिया। कितो मुंडा सर? मुंडा इतना ही बड़े बाल तो। ते की कार्रवाई अपनी लेने की जाम? पर्चा दर्ज है जो ना ते उन पेश कर लगे आज पेश कर लेंगे। पेश कर देना। पटियाला पुलिस की ओर से 7 किलो चरस सहित 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस जांच अधिकारी मोहम्मद सरफराज आलम ने बताया कि पुलिस द्वारा समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध चलाई गई मुहिम के तहत कार्रवाई करते हुए नाकाबंदी की हुई थी। इस दौरान सामने से आ रही एक महिला पुलिस को देखकर घबरा गई और पीछे मुड़ने लगी, लेकिन पुलिस पार्टी द्वारा उसे काबू कर लिया गया और जब उसके सामान की जाँच की गई तो उसके पास से 2 किलो चरस बरामद की गई। इसी तरह आलमपुर में नाकाबंदी के दौरान एक प्रवासी महिला को 2 किलो चरस सहित गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा एक अन्य मामले में गांव उपलहेड़ी में नाकाबंदी के दौरान एक और महिला को 3 किलो चरस सहित काबू किया गया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार की गई महिलाओं को अदालत में पेशकर रिमांड पर लिया जाएगा ताकि इनसे आगे की पूछताछ की जा सके, जिससे और भी खुलासे होने की संभावना है। टोटल देखो जी 3 FIR दर्ज किए गए और टोटल रिकवरी 7 किलो चरस दी हुई है। एदे विच 3 लेडी नू राउंड अप किया गया सीगा। तीनों लेडी का पिछुकर बिहार का है। बेसिकली इन्हों का मॉडल ऑपरेंट की सीगा कि जरा ये चरस है नेपाल तो आगे पहले बिहार आंदा सीगा, बिहार तो एंटी अंबाला तक वाया ट्रेन आंदे सीगे और अंबाला तो आगे आगे ये बस रही जाते थे। साढ़े को इनफॉर्मेशन भी सी प्लस स्पेशल नाकेबंदी की गई सी, जिस दौरान जब पब्लिक बसेस की चेकिंग की गई तो उस वेले ही ये रिकवरी हुई है। और तुम देखोगे कि काफ़ी बढ़िया कामयाबी है, काफ़ी बढ़िया कारगुजार रही है और जरा ये टीचा है ड्रग्स फ्री पंजाब का वो तहत ही काफ़ी बड़ी कामयाबी है पटियाला पुलिस को। कि लेडीज़ फड़ी गई ने बसों के क्योंकि लेडीज़ उपर कोई शक नहीं करता गा, इस लिए स्पैशल जी लेडीज़ फोर्स भी बनाई गई है कि उन्होंने क्योंकि लेडीज़ अक्सर जेंट्स उपर गल पहन आदि कि साड़ी चैकिंग क्यों कर रहे हैं? नहीं देखो जी जापते अनुसार ही चैकिंग की जाती, जो भी नाकेबंदी की जाती है जो भी लेडीज़ की चैकिंग की जानी है उतने लेडीज़ मुलाजिम नहीं हाजिर किया जाता है, प्रोपर एज पर रूल ही चैकिंग की जाती है। किन्नी एक कामयाबी मिल चुकी है क्योंकि नशे नू लेके लगातार ही जिहड़ी हुण 4 जिहड़े हैगे इगल ऑपरेशन हो चुके ने, किन्नी कामयाबी हुण तक मिल चुकी है? बैक टू बैक ना FIR हो ही रहे हैं, हर दिन प्रोपर रिकवरी हो ही रही है। जिहड़ी लिस्ट साढ़े कोल ड्रग्स पेडलर्स दी उन्हां दे खिलाफ भी बैक प्रोपर रेड हो रहे हैं, उन्हां दे खिलाफ प्रोपर सर्वेलेंस भी हो रही है, टेक्निकल एनालिसिस भी चल रहा है और काफ़ी बढ़िया कारगुजारी रही है। तुसीं देखोगे पिछले 4 दिनां च 23 ड्रग्स पेडलर दे खिलाफ परचा दर्ज होया। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਹਿਯੋਗ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਮੁਹਿੰਮ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਪਬਲਿਕ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਥਾਣੇ 'ਚ SHO ਅਤੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰ ਫਰਮ ਆਲ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਸਰਪੰਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰ ਪੁਰਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜੋ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗੇ ਔਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਫਾਈਟ ਅਗੇਂਸਟ ਡਰੱਗ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹਦੀ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਮਿਲਕਰ ਸੰਯੁਕਤ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾ ਕਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੋ ਕੋ ਹਟਾਇਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ADCP ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਹੈਰੀਟੇਜ ਵਾਕ ਮੇ ਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਢਾਬੇ ਸੇ ਲੇਕਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੇ ਬੁੱਤ ਤੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰੋਂ ਔਰ ਰੇਹੜੀ ਫਲੀ ਵਾਲੋਂ ਦੁਆਰਾ ਸੜਕ ਔਰ ਫੁੱਟਪਾਥੋਂ ਪਰ ਕੀਏ ਗਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਗਏ। इस मौके पर दुकानदारों व रेहड़ी फड़ी वालों के कब्जे हटाकर उनसे अपील की गई कि वे अपनी दुकानों के आगे सड़क और फुटपाथों पर सामान न रखें और यातायात को सही ढंग से चलाने में प्रशासन का सहयोग करें, क्योंकि नाजायज़ कब्जों के कारण राहगीरों को परेशानी होती है। वहीं उन्होंने कहा कि रोज़ाना देश विदेशों से संगतें श्री हरिमंदिर साहिब में दर्शनों के लिए आती हैं, जिसके चलते संगतों और शहरवासियों को पेश आ रही मुश्किलों से निजात दिलाने के लिए ट्रैफिक पुलिस की ओर से ये मुहिम आगे भी जारी रखी जाएगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। इस तरह जी कारपोरेशन के सहयोग के नाल अज जी हैरीटेज स्ट्रीट के उ जो नजायज़ लोगों ने
ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਫੁੱਟਪਾਥ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਿਆ। ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਤਲਬ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬਟ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਮਾਣਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਆ ਜਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਜੋ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਆ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰੁਕੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਸ 'ਤੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਾਣਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਜਿਹਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਇਹ ਰਾਮਧਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਦੇ ਸਿਰਫ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਏ ਗਏ। ਮਾਣਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੀ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਐਸ ਡੀ ਪੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਰੀ ਲੇਬਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਵੇ। ਸਰ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਫੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਰੋਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ? ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਹਦਾਇਤ ਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਆ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਸ ਹਲੀਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰੋਡ 'ਤੇ ਨਾ ਆਉਣ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰਨ। वातावरण को हरा भरा बनाए रखने के लिए कई समाज सेवी संस्थाएं पौधे लगाकर वातावरण को सुरक्षित रखने के लिए प्रयास कर रही हैं। अमृतसर दिल्ली हाईवे मुख्य मार्ग जंडियाला गुरु में 4 लाइन बनाने के कारण काफ़ी पेड़ काट दिए गए और कुछ पेड़ पानी की कमी के कारण व भीषण गर्मी के कारण सूख रहे हैं और कई पौधे आग लगने के कारण, जिसे लेकर वातावरण को हरा भरा बनाए रखने के लिए हमारी टीम की ओर से प्रसिद्ध समाजसेवी सोनू चंडियाला से विशेष बातचीत की गई। पेश है चंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की विशेष रिपोर्ट। बहुत माड़ी गल है, अज असी गुरु साहब के दसे हुए मार्ग तो भटक के गुरु नानक साहब दी बहुत पवित्र पंक्तियां वा, पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महात्मा, पवन ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 47-48 ਡਿਗਰੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣੀ, ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਗਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਆ। ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਾਹੇ ਪਿੱਛੋਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਹ ਫੜ ਲੈਣ ਫਿਰ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਰਾਓ, ਅਮੈਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਾ ਉਹਨੇ 1 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 23,000 ਰੁੱਖ ਲਗਾਇਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਜੁਝਾਰੂ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਉੱਤਰ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 25-30,000 ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਭਰਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਾਂ ਧੜਾ ਧੜ ਵੱਢਦੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰੁੱਖ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਛਾਵੇਂ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਡਿਆ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਰੁੱਖ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਰੁੱਖ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਈਏ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆ ਉਹ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਜੂ। ਅੱਜ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਘੁੰਮਣ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਵੇਖਣ ਜਾਂਦੇ? ਉੱਥੇ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਉਜਾੜਦਾ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਬਣਾਈਏ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਗਾਈਏ। दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विच द्वारा समाज एवं हिंदू धर्म के लिए किए जा रहे विशेष कार्यों को मद्देनजर रखते हुए अखंड केसरी न्यूज़पेपर की टीम द्वारा श्री विच को सम्मानित किया गया। इस मौके पर अखंड केसरी न्यूज़पेपर टीम के संपादक अंकित भास्कर, सीनियर रिपोर्टर विजय पाल सिंह, रिपोर्टर सुखविंदर, कैमरामैन अंकित कुमार व मैनेजर वैभव सिंगला ने श्री विच को स्मृति चिन्ह व गुलदस्ता भेंट कर विशेष रूप से सम्मानित किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। सारी टीम आई है शीतल विच, जो दैनिक सवेरा संपादक है उन्होंने आशीर्वाद लैन आए हैं। आप
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ ਲਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਪਾਰ ਕਿਤੇ ਹੀ ਹੋਰ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਅਤੇ ਰਾਤ ਚੁਗਣੀ ਵਧੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਸ਼ੀਤਲ ਬਾਊ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਖਬਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਵਧੇ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਵਧੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਰਨਾਲਾ ਮੇਂ ਸਥਾਨੀਏ ਲਾਡਲੇ ਖਾਟੂਵਾਲੀ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੰਡਲ ਕੇ ਸਾਨਿਧਿਏ ਸੇ ਸ਼੍ਰੀ ਖਾਟੂ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਕਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਾਗਰਣ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਮੇਂ ਬੜੀ ਹੀ ਧੂਮਧਾਮ ਏਵਮ ਸ਼ਰਧਾ ਕੇ ਸਾਥ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਆ ਗਿਆ। ਤੋ ਵਹੀਂ ਇਸ ਜਾਗਰਣ ਮੇਂ ਪਵਿੱਤਰ ਜੋਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਖਾਟੂ ਸ਼ਾਮ ਧਾਮ ਸੇ ਲਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਭਕਤੋਂ ਮੇਂ ਉਤਸੁਕਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਪੂਜਨ ਕੀ ਰਸਮ ਸੋਨਿਕਾ ਰਾਣੀ ਏਵਮ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ, ਰਿਬਨ ਕਾਟਨੇ ਕੀ ਰਸਮ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨਦਾਸ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵਾਲੇ, ਧਵਜਾ ਰਸਮ ਅਗਰਵਾਲ ਸਭਾ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਕੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਮੋਹਿਤ ਸਿੰਗਲਾ ਏਵਮ ਆਰਤੀ ਸਿੰਗਲਾ, 108 ਜੋਤੀ ਪੂਜਨ ਰਾਮ ਲਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਜੋਤੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਮਧੂਵਾਲਾ ਏਵਮ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਨਿਭਾਈ। ਵਹੀਂ ਜਾਗਰਣ ਮੇਂ ਹਿਸਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭਜਨ ਗਾਇਕ ਔਰ ਜੈਪੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭਜਨ ਗਾਇਕਾ ਸਾਕਸ਼ੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਮ ਖਾਟੂ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਔਰ ਸਾਲਾਸਰ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਲਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਭਜਨ ਸੁਣਾ ਕਰ ਪੰਡਾਲ ਮੇਂ ਬੈਠੇ ਭਕਤੋਂ ਕੋ ਮੰਤਰ ਮੁਗਧ ਕਰ ਦਿਆ ਔਰ ਪੂਰਾ ਪੰਡਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਮਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਏ ਨਏ ਭਜਨੋ ਪਰ ਭਕਤ ਵੀ ਬੇਸੁੱਧ ਹੋ ਕਰ ਨਾਚਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੀਏ ਔਰ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਜੈਕਾਰ ਹੋਤੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੋ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਾ ਬੜਾ ਪੰਡਾਲ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਸੇ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਥਾ ਔਰ ਭੀਸ਼ਣ ਗਰਮੀ ਕੋ ਦੇਖਤੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਕੂਲਰੋਂ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਭਵਨ ਔਰ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਭਵਨ ਪਰ ਹੋਤੀ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੀ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਓਂ ਕੇ ਆਕਰਸ਼ਣ ਕਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਮਹੇਸ਼ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਗਰੁੱਪ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੀ ਸੇਵਾਏ ਔਰ ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਕਾ ਕਾਮ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਵਾਲੋਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਸੇ ਨਿਭਾਇਆ। ਅੰਤ ਮੇਂ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਕੀ ਆਰਤੀ ਉਤਾਰੀ ਗਈ, ਭੋਗ ਲਗਾ ਕਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਓਂ ਮੇਂ ਵਿਤਰਿਤ ਕੀਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੇਂ ਡਾਲੇ ਗਏ ਕੁਪਨੋਂ ਕਾ ਲੱਕੀ ਡਰਾਅ ਨਿਕਾਲਾ ਗਿਆ ਔਰ 11 ਲੱਕੀ ਭਗਤੋਂ ਕੋ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਕੇ ਸਵਰੂਪ ਵਾਲੇ 11 ਚਾਂਦੀ ਕੇ ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੋਂ ਮੇਂ ਕਮਲ ਬਾਂਸਲ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਫਨੀ, ਗੋਪਾਲ ਗਰਗ, ਰਿੰਕੂ ਬਾਂਸਲ, ਬਲਰਾਮ ਗਰਗ, ਸ਼ਿਵਮ ਬਾਂਸਲ, ਹਨੀ ਜੰਦਲ, ਈਸ਼ਵਰ ਗੋਇਲ, ਗੌਤਮ ਬਾਂਸਲ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਕਾਂਸਲ, ਮੁਨੀਤ ਜੈਨ, ਜਿਮੀ ਮੋੜ, ਜਤਿਨ ਬਾਂਸਲ, ਅੰਕਿਤ ਸਿੰਗਲ, ਰਾਕੇਸ਼ ਗਰਗ, ਰਵੀ ਅਰੋੜਾ, ਘਨਸ਼ਿਆਮ, ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਭਦੌੜ, ਐਸ਼ਲੀ ਬਾਂਸਲ, ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ, ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਕੇ ਇਲਾਵਾ ਬੜੀ ਸੰਖਿਆ ਮੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਕੇ ਗਣਮਾਨਿਆ ਲੋਕ ਉਪਸਥਿਤ ਰਹੇ। ਬਰਨਾਲਾ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲੀਏ ਵਿਨੋਦ ਸ਼ਰਮਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ।
नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन जालंधर की सामान्य सभा बैठक का आयोजन जालंधर के एक निजी होटल में किया गया। इस बैठक में विभिन्न चिकित्सा क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा किए और उपस्थित डॉक्टरों को महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत करवाया। इस कार्यक्रम की शुरुआत धन्वंतरी देवता के समक्ष सभी उपस्थित सदस्यों द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। नीमा जालंधर के अध्यक्ष डॉक्टर सतबीर सिंह ने सभी वक्ताओं का स्वागत किया और कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर मुख्य वक्ता डॉक्टर प्रतीक कौशल ने मधुमेह और गुर्दे की बीमारियों, डॉक्टर साहिल कालिया ने पेरिकार्डियल इफ्यूजन का मामला और डॉक्टर अतुल शर्मा ने मस्तिष्क रक्त स्त्राव के मरीज का उपचार दृष्टिकोण के बारे में जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर नीमा जालंधर के अध्यक्ष डॉक्टर सतबीर सिंह व उनकी टीम ने आए हुए सभी गणमान्य व्यक्तियों को स्मृति चिन्ह देकर विशेष रूप से सम्मानित किया। सभा के अंत में डॉक्टर मनीष मेहता ने सभी का धन्यवाद व्यक्त किया। उन्होंने सभी डॉक्टरों का आभार किया जिन्होंने इस संगोष्ठी में भाग लिया और इसे सफल बनाया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों से हमें नई जानकारी मिलती है और हम अपने मरीजों को बेहतर सेवाएँ प्रदान कर सकते हैं। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर साहिल कालिया, एमडी मेडिसिन, इनोसेंट हार्ट मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल। तो मैं तुहाडे नाल गल करना चाहना पेरिकार्डियल इफ्यूजन बारे, जो एक बीमारी है जिसे दिल के आस पास पानी भरना हो जाती है। इस विच मरीज नूं साह लैण च बहुत दिक्कत होती है, धड़कन बहुत बढ़ जाती है, तो ब्लड प्रैशर भी घट जाता है, जिसे करके मरीज नूं पसीने, दिल की दर्द और साह लैण च दिक्कत होती है। इसनूं दूर करन लई आपां दिल के कोलों एक सूई पा के उस च पानी कढ़ते हैं। ये बहुत सारे कारणों ने देखी जाती है, जिमें कि ट्यूबरकलोसिस, SLE, मायोकार्डियल इनफेक्शन या फिर कार्डियक सर्जरी तो बाद भी कई बार कई मरीजों से देखी जाती है। यदा सही इलाज तो टाइमली इलाज किया जाए तो बीमारी तो लोगों को निजात दवाया जा सकता है, तो लोगों की तकलीफा दूर की जा सकती है। I am Dr. Atul Sharma, MCH neurosurgeon from PGI Chandigarh, currently working as a consultant neurosurgeon at Innocent Heart Super Speciality Hospital. And today we discussed with our friends the main causes of brain hemorrhage and how to approach a patient of brain hemorrhage. We discussed the various causes of brain hemorrhage like traumatic and non-traumatic and how to prevent it, how to prevent the roadside accidents. And if a patient of a roadside accident or any other causes of brain hemorrhage comes to the emergency, how we should approach that patient, when it should be intubated the patient and put on ventilatory support, and when should we get a CT head done, and depending on the CT head findings, how to treat the patient, whether to give him a medical treatment with injections or with medicines, or whether to go for surgery, which surgery to be performed, and how long does it take for a patient post-operatively to recover, and how long does the patient stay in ICU. And there was a very good response from the audience, and it was a very role. Hi, good evening. I'm Dr. Prateek Kaushal. I'm consultant nephrologist at Innocent Hearts. Today here we have gathered at the NEMA conference, and I presented a small seminar on diabetes and kidney diseases. And it was a very good session interacting with all the doctors here and listening to their suggestions. And it was very fruitful. We discussed about how to lower down the rate of CKD, kidney diseases, and what necessary precautions we need to take to prevent that. Role. Hi, good evening. I'm Dr. Prateek Kaushal. I'm a consultant nephrologist at Innocent Hearts. Today we have gathered here at NEMA talk, and I just gave a small seminar on diabetes and kidney diseases. It was good to interact with all the doctors here, and it was very knowledgeable listening to all the doctors and their suggestions also. हिंदू एकता मंच पंजाब की ओर से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी लाजपत नगर जालंधर में विकास जनरल स्टोर के समीप पूरी सब्जी का लंगर एवं ठंडे मीठे जल की छबील लगाएगी। इस अवसर पर अशोक शर्मा, मुनीष विकास, राकेश राहुल, कृष्णा मोनिट, अशोक, करण, अर्जुन, अनिल और अन्य कई सदस्य उपस्थित रहे। तो वहीं इस आयोजन में सभी सदस्यों ने मिलकर श्रद्धालुओं को प्रसाद और ठंडा मीठा जल वितरित किया। लोगों ने इस सेवा के कार्य की सराहना की और भारी संख्या में शामिल होकर इस पुनीत कार्य का हिस्सा बनी। यह आयोजन हर वर्ष धार्मिक भावना और सेवा के उद्देश्य से
किया जाता है, जिसमें स्थानीय समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार, जय श्री राम जी। मैं मुनी शर्मा, हिंदू एकता मंच पंजाब प्रधान। हर साल की तरह इस साल भी यहाँ लाजपत नगर में विकास जनरल स्टोर के साथ ठंडे मीठे जल की छपील और लंगर का आयोजन किया गया। जितने लोग हैं इससे पहले इसके बाद में हम हिंदू एकता मंच की तरफ से शीतला माता मंदिर में भी हिमाचल में लंगर लगाते हैं। आज 24 तारीख को लाजपत नगर में विकास जनरल स्टोर के साथ लंगर का वितरण किया गया, जिसमें सुबह से लेकर शाम तक लंगर का वितरण होगा, जिसमें खीर का प्रसाद है, साथ में चने की सब्जी है और ठंडे मीठे जल की छपी है। तो सब मैं यही दुआ करता हूँ, सभी ठीक से रहे और गर्मी के प्रकोप में सभी ठीक रहे। जय श्री कृष्ण। सिद्ध योगी वेलफेयर सोसाइटी की ओर से 70वां वार्षिक भंडारा साईं बिट्टू शाह जी की अध्यक्षता में न्यू पृथ्वी नगर नजदीक रमन शिव मंदिर जालंधर में बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर महफिल कव्वाली का आयोजन किया गया, जिसमें प्रसिद्ध कव्वालों ने अपनी कव्वालियों के माध्यम से उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर इंदु दीवा, प्रदीप कुमार, डॉलर, सोनू, मिंटू, करण, सूरज, हृदय, पूजा, काजल, यशिका, भाविका, सुमन, कंचन, उर्मिला और आशा सहित असंख्य भक्तजन उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। कालिका धाम ज्योतिष विद्यालय जालंधर में दिव्य ज्ञान दुख निवारण चंडी महायज्ञ किया गया, जिसमें मां महाकाली का दिव्य झूला लगाया गया। इस दौरान दूर दूर से भक्त आकर मां का पूजन एवं हवन यज्ञ में भाग लेकर कष्टों से मुक्ति पा रहे हैं। इस मौके पर धाम के संस्थापक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य इंद्रदेव बबलू पंडित ने बताया कि हर शनिवार को साई 6 बजे यज्ञ शुरू होता है। जो भक्त सच्ची श्रद्धा लेकर यहाँ आता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। ये यज्ञ माँ के आदेश से निःशुल्क किया जाता है। इस करवाई के हवन यज्ञ में इंद्रदेव बबलू पंडित ने आए हुए अतिथियों को सम्मानित किया।
और कहा कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भक्त माँ महाकाली के चरण पकड़ ले, माँ आपको सफलता की उन ऊंचाइयों पर ले जाएगी जहाँ दुनिया आपके कदमों में होगी। इस अवसर पर थाम के मुख्य सेवादार संजीव शर्मा को कन, रोहित शर्मा, संजय शर्मा, सुमित, बिनी, पंडित संजय, पंडित पंकज, पंडित हरिओम, पंडित सुशील, ज्योतिषाचार्य गौरव, देसरा शर्मा, गग्गू सहित असंख्य भक्तजन उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बावा की रिपोर्ट। जय माता दी। मैं आचार्य देव वशिष्ठ कार्यकार धाम ज्योतिष से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। माँ चंडी, माँ महाकाली आप सब का मंगल करे, कल्याण करे, आप सब पर महारानी की दया दृष्टि बनी रहे, ऐसी कामना करते हैं। दुख निवारण चंडी महायज्ञ कार्यकार धाम ज्योतिष में हर शनिवार को शाम काल में आज 4 वर्षों भक्तों की अपनी श्रद्धा है, अपना विश्वास है, सब कुछ करके बने महारानी परमात्मा करते हैं, लेकिन जो सच्ची सच्ची निष्ठा लेकर के चंडी को पहुँचता है तो महारानी का आशीर्वाद हो जाता है। भगवान हर जगह, लेकिन कुछ जगहों जहाँ तप होता है, जहाँ जप होता है, जहाँ पाठ होता है, जहाँ साधनाएं होती है, वहाँ की ऊर्जाएँ बहुत जरूरी काम करते हैं। तो बाकी दिनों के लिए तो आप कोई हमसे भी मिलना चाहता है तो सेवादारों से समय लेकर मिल सकता है, लेकिन शनिवार को कोई भी बिना समय लिए, बिना किसी भी, आज के दिन सारे निःशुल्क होते हैं, आप आकर के महारानी माँ चंडी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। फिर से एक बार प्रार्थना करते हैं, महारानी आप सभी दर्शकों के आंसू साफ कर रहे, आप सब खुशहाल रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन दरबार में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें भजन गायक रिंकू सहगल एंड पार्टी ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की, जिसके बाद भजन गायक ने मां के सुंदर भिंटू का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, अवतार गब्बी, साधुराम कालिया, सेवादार मास्टर हरिचंद, शिव सहगल, कपिल सहगल ने गायक रिंकू सहगल एंड पार्टी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट।
मंदिर के पावन प्रांगण में स्थित ट्रस्ट महाकाली मंदिर में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें भजन गायिका सुनीता टंडन ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की। इस मौके पर मंदिर कमेटी के सदस्य योगेश्वर शर्मा, अशोक सोबती, नरेंद्र सहजपाल, चंदन मोहन ढिंगरा ने भजन गायिका सुनीता टंडन को मां की चुनरी देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर अशोक शीतल, संजीव साहनी, सोहन लाल, किरण कुमार, राजेंद्र मदान, यशपाल, गोवर्धन गोंधी, नरेंद्र शर्मा सहित असंख्य भक्तजन उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। We'll be right back.
पूर्व विधायक एवं जलंधर छावनी से भाजपा इंचार्ज सरबजीत सिंह मक्कड़ की बेटी कन्वरदीप सिंह मक्कड़ जिनका गत दिनों आकस्मिक निधन हो गया है, उनका अंतिम संस्कार जालंधर के मॉडल टाउन स्थित शमशान घाट में किया गया। इस मौके पर स्वर्गीय कन्वरदीप सिंह को मक्कड़ को मुखाग्नि उनके पिता सरबजीत सिंह मक्कड़ ने दी। इस मौके पर अजीत समाचार पत्र के मुख्य संपादक बरजिंदर सिंह हमदर्द, पूर्व सांसद सुशील रिंकू, विधायक प्रगट सिंह, विजय सांपला, शीतल अंगुराल, कांग्रेसी नेता लाडी शेरुवालिया, जगमीत बराड़, चंदन गरेवाल, सुरेंद्र सिंह सोढ़ी, मोहिंदर भगत, बाबा चरण दास, जगदीश राज राजा, पूर्व विधायक रजिंदर बेरी, पूर्व विधायक मनोरंजन कार्य, पूर्व विधायक केडी भंडारी, अश्विनी सेठ, संत गुप्ता, यश दुआ, भूपेंद्र सिंह बिंदा, गौरव मेह, सतीश जैन, बलराज ठाकुर, ईटीओ राकेश मल्होत्रा, राकेश बब्बी, राकेश राठौर, रोबिन सापला, अमरजीत सिंह अमरी, बंटी नीलकंठ, विजय खुल्लर, लखबीर सिंह लाली, राजू डिप्स, अनिल चोपड़ा, कुलवंत सिंह मन्नन, रमन जैन, श्रीकंठ जज, सेठ सतपाल मल, रजिंदर कलसी, सुरेंद्र कलसी व पारिवारिक सदस्यों में पिता सरबजीत सिंह मक्कड़, उपिंदरजीत कौर, भूपिंदर सिंह मक्कड़, गुरशरण कौर सहित राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय कन्वरदीप सिंह को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। देवी तला मंदिर के फाउंडर सेवादार सुदर्शन ज्योति जिनका गत दिवस आकस्मिक निधन हो गया है, उनका अंतिम संस्कार जालंधर के कोट किशन चंद किशनपुरा स्थित शमशान घाट में किया गया। इस मौके पर स्वर्गीय सुदर्शन ज्योति को मुखाग्नि उनके बेटे नवनीत ज्योति ने दी। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विजय, तरसेम कपूर, बलदेव आनंद, प्रदीप पुजारी, वरुण मदान, पूर्व पार्षद बब्बी चड्डा, रमन शर्मा, जगमोहन सिंह खोसला, दीपक झांझी, नीरज मित्तल, दीपक ज्योति, सुशील भट्टी, शीला, राजेश चड्डा, राजकुमार चड्डा, जे बी चड्डा, पवन मेहता, अर्जुन मल्होत्रा, नरेश सहगल, श्यामलाल चड्डा, दीपक कंबोज, दिनेश सहगल, चौधरी राम कुमार, पवन बजाज, ललित गुप्ता, बीबी ज्योति, राजेश ज्योति, डॉक्टर अनिल ज्योति, राजू शर्मा, लकी शर्मा, ललित कुमार, बीबी धीर, भरत भूषण बजाज, मोहिंदर प्रभाकर, मास्टर हरिचंद, शिव सहगल, यश चड्डा, महंत अशोक शर्मा, मोहित कुमार, रोहित कुमार, मट्टू कुमार, अश्विनी शर्मा, अश्विनी टीटू सहित पारिवारिक सदस्यों में सीमा ज्योति, दिनेश शर्मा, नीटा शर्मा,
डॉक्टर सतपाल गुप्ता, सुभाष कोहली, श्यामलाल चड्डा, विकास दंड, विकी सहित राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय सुदर्शन ज्योति को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। राजरानी मकानी, जो कि अपने सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में विलीन हो गई है, उनकी आत्मिक शांति हेतु रस्म उठाला श्री महालक्ष्मी मंदिर जेल रोड जालंधर में संपन्न हुआ। इस मौके पर पंडितों ने श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय राजरानी मकानी की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की। इस मौके पर वेद प्रकाश, गुलशन कुमार, पूजा बबली, अलका, सुजाल अरोड़ा, मोहिंदर सेठ, अमित, विपुल, सुनील सहित राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय राजरानी मकानी को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। सवेरे मां पूछ रही है, क्या याद नहीं आई? ओ जिंदा पुत्र सड़का ने कमाई करता होवे, ओ मां सोवे एक निर्णा पुतरा वाह बेटा गया बारह बार सारी उम्र दुखां मेरे बुजुर्ग बैठे हो, अपनी छाती ने हथ रख के दसो मां ने एक दिन भी सुख तक नहीं पाया। बेटी जन्म लैंदी है मां बाप दीआं गल्लां, ब्याह हो गया पति दीआं गल्लां, और जिस वक्त बच्चे हो गए तो बच्चिया दीआं भी गल्लां उंदी बेल बा ए मावां ए मावां ठंडियां छावां ने अज वाज मारो मां नूं। महाराज सारी उम्र रानी बन के अज वो देवी बन के गई है। मां का एक हाथ का शरीर बन जाएगा, उस तो बाद 16 पिंड दसो 16 पिंड क्यों देने हैं? एक गल बड़ी गूढ़ ज्ञान वाली है, 16 पिंड इस वास्ते देने वास्ते कर्म की है। गया जी विच राजा दशरथ जी ये स्वागत भगवान राम जी ने राजा दशरथ जी ने निमित्त कर्म करवाया सी ना, 16 दिन लगे थे, 16 दिन उन्होंने एक एक पिंड दे के कर्म करवाया। राजा दशरथ जी नूं उत्थे हुंदा सिपिंडी कर्म, ब्राह्मणां नूं पता ही नहीं, 13वें अध्याय का प्रमाण है। सिपिंडी कर्म याद आ रही है, पर वो अमरावती विच अज उनका बच्चा बैठा है, अज पोते पड़पोतरे खिड़िया बाग परिवार अज मां नूं देण वास्ते आए हैं। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। लुधियाना में एक 18 वर्षीय लड़की ने विवाह से कुछ दिन पहले की आत्महत्या, लड़के ने शादी करने से कर दिया था इनकार। पटियाला पुलिस ने 3 महिला नशा तस्करों को किया गिरफ्तार, 7 किलो चरस की बरामद।
अमृतसर ट्रैफिक पुलिस ने नगर निगम के साथ मिलकर विरासती मार्ग से हटवाए नाजायज कब्जे, दुकानदारों व फड़ी वालों को नाजायज कब्जे ना करने की अपील। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।